अच्छा आज बहुत निक रहा है। निकल आ गई तो बढ़िया था। साली तेरी तनी मजा। मैं कहना हुआ। पनीर की सब्जी खाया, शिमला मिर्च की सब्जी खाया। अच्छा ये हमारा सजनवा है। सजनवा तो हाल के मर चल। की हो? तुम्हारा कहा सारा गांव वाले जुट गया वहाँ पर मजा आया हमारा तो समझ नहीं हुई थी क्यों होते ना कहते हैं हमारा जो भी आई है समझावत यही मेहरारू बात जो मान ले तो स्वामी ने उसका कटोरा लेके भीखे ठीक माने वाली बात ना है चल चल शरीर बन जा रही करना चाहे सुगर का मरीज नहीं है यह मेहरारू के नाता बहनिया है सही आई ने यह मेहरारू के नाते जवान है
नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते पवन। अच्छा है बताओ पवन और पूजा, भैया स्कूल से छुट्टी कितने समय है तुम्हारे? भैया स्कूल से छुट्टी तो 3:30 बजे हो जाती है, लेकिन मैं चला गया था दोस्तों के घर पे, इसलिए आने में लेट हो गया। हाँ भैया मैं अपने सहेली के यहाँ चली गई थी। देखो तुम अपने सहेली के यहाँ गए थे, अपने दोस्त के यहाँ गए थे, इतने समय छुट्टी हो गई, इतने देर तुम लोग भूख रहे थे। तुम्हारे तुम दोनों के मम्मी कितना इंतजार में है, चलिए मम्मी से मिलते हैं भैया। आओ मम्मी के चरणों में बेटे पवन का प्रणाम। पूजा इतनी देर कैसे हो गई बेटी? माँ अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे जब रोज हमारी बहन स्कूल से पढ़ के घर आते थे और माँ को देखते थे, माँ हमेशा खुश रहती थी, लेकिन आज पढ़ के आई हूँ तो क्या देख रही हूँ, ये माँ का चेहरा उदास, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चलो मैं जरूर पूछूंगी। से नहीं बताओगे? आखिर आज हमारी मां से कोई
मेरी बात सुन बेटी। Oh!
ठीक रहती है, घर में खाना नहीं बना पाती हो, तो इसमें घबराने की क्या बात है मम्मी? हम भाई बहन अब छोटे नहीं रह गए हैं मम्मी, हम भाई बहन अब काफी बड़े बड़े हो गए हैं। अब हम लोग अपनी अपनी पढ़ाई बंद करके जाएंगे इसी शहर में नौकरी करने के मम्मी, अगर नौकरी मिल गई तो आपका सारा दुख दूर हो जाएगा मम्मी। मत रो मम्मी, ये पगले Hey!